हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता। आप देख रहे हैं एनिमेट न्यूज। केजीएफ 2 इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। पिछले महीने ही फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे अब तक 17 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। यश की इस फिल्म के टीजर को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तक अपने नाम कर लिया। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स भी केजीएफ 2 के टीजर को नहीं पछाड़ पा रहे हैं। जहां हाल ही में रिलीज हुआ जॉन की फिल्म मुंबई का टीजर इस मामले में पीछे रह गया है, वहीं अब लीजिए बॉलीवुड एक्टर आलिया भट्ट को भी बड़ा झटका लगा है। दरअसल हाल ही में आलिया की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर भी रिलीज हुआ है। संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के टीजर ने एक ही दिन में 15 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं। दूसरी तरफ केजीएफ 2 सिर्फ एक ही दिन में 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी थी, लेकिन आलिया भट्ट अपनी फिल्म के जरिए केजीएफ 2 के टीजर का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है और उनके हाथ करारी हार लगी है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि आलिया केजीएफ 2 के एक्टर यश से भी पंगा ले बैठी हैं। दरअसल केजीएफ 2 की रिलीज के 14 दिन बाद ही आलिया अपनी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी ला रही है, जिससे आलिया की फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बता दें कि यूं तो गंगूबाई काठियावाड़ी का टीजर आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है, लेकिन कई फैंस ने आलिया के गंगूबाई अंदाज की तारीफ भी की है। वही सेलिब्रिटीज भी टीजर को शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर आलिया के टीजर शेयर करते ही कई स्टार्स ने उन्हें बधाई दी है। गंगूबाई काठियावाड़ी का डायरेक्शन संजय लीला भंसाली ने किया है, जो आलिया के साथ उनका पहला एसोसिएशन है। गंगूबाई काठियावाड़ी एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस के एक चैप्टर पर आधारित फिल्म है। मुंबई के रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में गंगूबाई एक कोठे की मालकिन थी। एक वक्त में गंगूबाई का सिक्का चलता था। फिल्म की पूरी कहानी गंगूबाई काठियावाड़ी के इर्द गिर्द ही घूमती नजर आएगी। बात करें केजीएफ 2 की तो इससे प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है, जिसमें यश के साथ संजय दत्त, रवीना टंडन और श्रीनिधि शेट्टी भी इम्पोर्टेंट किरदार में नजर आएंगी। ये फिल्म इसी साल 16 जुलाई को रिलीज होगी। वैसे इस पूरी खबर पर अब आपकी क्या राय है, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं।